आज मैं आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है मां। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घुट पीकर आपको सुख का अमृत देती। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी मां का ऋण कभी चुका नहीं पाए। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी मां को स्मरण रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे।